हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगभग पिछले 10 या 15 दिनों से हमने प्रैक्टिस सेट लगाना ज़्यादा शुरू किया है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट, ठीक है। हालांकि बीच बीच में आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस भी हो रही थी, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस किया है प्रैक्टिस सेट लगाने पर। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हुए जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लगभग वे हमने कंप्लीट किए और कुछ हद तक हमने अति लघु प्रश्नों को भी हर एक सब्जेक्ट के जो है उनके प्रैक्टिस सेट लगाए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमने वह बीच में इसीलिए शुरू किए थे प्रैक्टिस सेट ताकि हमें पता चले, ठीक है, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे निकल कर के आते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 10-15 दिन से हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे चुने जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे आगे कुछ आने वाले दिनों में, एग्ज़ाम तक हम एक चीज़ लेकर के चलेंगे कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा किसी भी सब्जेक्ट का, उसको हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे और साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट्स भी चलेंगे। और जो भी आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लगता रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, उसको हम पर्टिकुलरली एक अलग रूप में या फिर एक अलग सेशन रख के उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो आज का सेशन रखा है वो कुछ इसी प्रकार है। जैसे कि हमारा भारत देश आज़ाद होता है, स्वतंत्रता के पूर्व की अगर बात कर ले तो वहाँ पर आधुनिककालीन शिक्षा किस तरीके से हमारे देश में शुरुआत हुई, आधुनिककालीन शिक्षा की कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई, कौन से कमीशन का गठन हुआ, किस किस का आज्ञा पत्र आया, तो यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे आपके शॉर्ट में भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में भी मिलेंगे। और बात करें बहुविकल्पीय प्रश्नों की तो वो भी आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। लगभग 10-15 दिन से जब से हमने प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू किए हैं तो हर एक ईयर के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। इसीलिए मैंने आपका ये सेशन आज के लिए रखा है कि एक बार हम इनको, हालांकि मैं इस क्लास को करा चुकी हूँ पहले भी, ठीक है, पहले मैंने अलग तरीके से आपको पढ़ाया था बिल्कुल पीपीटी की फॉर्म में पिक्चर्स के थ्रू सब चीज़ें समझा करके, लेकिन अब उस चीज़ को मैंने समराइज कर लिया है और एक ही क्लास में हम सब कमीशंस, सब समितियाँ जो भी शुरुआती दौर में बनाई गई आधुनिककालीन शिक्षा की अगर बात करें उस समय में, उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाइए। और हाँ दोस्तों, कोशिश करिएगा आज की क्लास से आप नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। मैं हमेशा आपको पीडीएफ देती हूँ, लेकिन आज की क्लास जो है आपके लिए बिल्कुल मलाई वाली होगी, ठीक है। इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी छोटी सी क्लास में कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ रखिए, या तो आप ऐसे करिए कि एक बार क्लास को पूरी लीजिए, समझिए, उसमें लिखना कुछ नहीं, लेकिन फिर दोबारा उसको देखिए और तब उसके साथ आप नोट्स बनाइए। क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन जितनी होगी ना उसमें से आपको ये समझ लीजिए कि आपको पूरा मक्खन उतार के आज दिया जाएगा आज की क्लास में। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी चीज़ को नोटिस करते हुए आज का सेशन मैंने आपके लिए रखा है। तो आपको पता चल गया किस बारे में हम बात करने वाले हैं, आधुनिककालीन शिक्षा के बारे में। इसके अंदर कुछ समितियाँ बनाई गई, ठीक है, कुछ कमीशंस बनाए गए जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। सभी लोगों को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो को, और फटाफट से लाइक कर दीजिए, फिर बीच में आप जो है सारा का सारा ध्यान अपना सिर्फ समझने में लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने बात की कि आज हम देखेंगे आधुनिककालीन शिक्षा के बारे में, देखते हैं कौन कौन से आज के इस टॉपिक में हम पॉइंट्स कवर करेंगे, एक बार उन पर नजर ले जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि स्वतंत्रता के पूर्व किस तरीके से स्थापित हुई आधुनिककालीन शिक्षा, फिर जो ईसाई मिशनरी के प्रयास थे वे किस तरीके से काम किए, ठीक है, आधुनिककालीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें क्या चीज़ें खास थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पॉइंट के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बताई जाएगी, हर एक चीज़ को समराइज करके पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, तो आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझ आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे 1833 का आज्ञा पत्र,
ये भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओकलैंड का घोषणा पत्र न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसके बाद हम जानेंगे वुड का घोषणा पत्र, ठीक है। फिर हंटर कमीशन के बारे में जानेंगे, हर्टाग समिति के बारे में, बेसिक शिक्षा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़े तो इससे आगे हम फिर बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात दोनों टॉपिक्स आपके इसी में कवर होंगे। और विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ, क्या चीजें इसके अंदर रखी गई, मुदालियर कमीशन के किस तरीके से आया भारत में, कोठारी कमीशन की क्या विशेषताएं थी, नई शिक्षा नीति 1986, आप देख रहे हैं ना सभी टॉपिक्स इस तरह के हैं कि बिल्कुल आपको मजा आ जाने वाला है आज की क्लास में। फिर कार्य योजना के बाद के बारे में बात करेंगे, फिर वर्तमान योजनाओं के बारे में कि वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चली हुई है आपकी जो है शिक्षा को लेकर के। तो चलिए गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जो आधुनिक शिक्षा थी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई भारत में। चलिए शुरू से बात करते हैं कि 18वीं सदी में भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आगमन हुआ, ठीक है। यह बात है 18वीं सदी की, जिन्होंने अपने अपने ढंग से शिक्षा के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। 15वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और यूरोपीय वासियों के आने का मुख्य मकसद था व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि जो भी विदेशी भारत में आए, चाहे वो पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो या यूरोपीय हो, उनका मुख्य मकसद क्या था, ठीक है, उनका मोटिव क्या था भारत में आने का। तो उनका सबसे मुख्य जो मकसद कह सकते थे वो यह था कि वो व्यापार करें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करें, ठीक है। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन लोगों ने शिक्षा को ही माध्यम बनाया। इसीलिए शिक्षा में इतने ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि यहाँ की शिक्षा को ही माध्यम बना लिया जाए, क्यों ना शिक्षा को माध्यम बनाकर अपनी बातों को यहाँ पहुँचाया जाए लोगों तक। क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो विदेशी भाषाओं के बारे में नहीं जानते थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी भाषाओं को सिखाने पर जोर दिया। सर्वप्रथम बात करें तो ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया, ठीक है। सर्वप्रथम किसने किया, ईसाइयों ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी के आज्ञा पत्र से तंजोर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई के दानाश्रित विद्यालय खोले, जहां निर्धन वर्गों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। सबसे पहले मिशनरियों ने अपना काम शुरू किया आधुनिक शिक्षा को प्रदान करने का, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने। तो यह तो हमने बात कर ली कि ज़रूरत, मतलब नई जो शिक्षा पद्धति लागू हुई हमारे देश में, नई शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ, वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा विदेशी भारत में आ रहे थे व्यापार करने के लिए, अलग अलग देशों से, जैसे फ्रांस से, ठीक है, इंग्लैंड से, यूरोप से, पुर्तगाल से, तो सभी लोग आ रहे थे। मेन मकसद था इनका व्यापार करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन ये कैसे सफल हो पाते व्यापार करने में, धर्म का प्रचार प्रसार करने में, तभी जब यहाँ के लोग उनकी बात समझ पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि शिक्षा को ही माध्यम बना लिया अपनी बातों को यहाँ के लोगों तक पहुँचाने के लिए। इतनी बात समझ आती है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है, वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा तथा लॉर्ड वेलेजी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई। ये आपसे पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, कि कोलकाता में मदरसा की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वह लॉर्ड वेलेजी ने की, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ आती है। अब चलिए अब आगे शुरुआत होती है, सबसे पहले आता है 1813 का आज्ञा पत्र। इसमें क्या प्रमुख बातें थी और किस तरीके से इतना फेमस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी क्या चीजें थी इसमें। तो दोस्तों, जो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसने भारत में शैक्षिक विकास को नई दिशा दी,
ठीक है, शिक्षा के विकास को एक नई दिशा दी, किस तरह से, उसकी कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हम देख करके समझ सकते हैं कि इसने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद करी। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही है कि इस आज्ञा पत्र से क्या हुआ, इसमें लिखा गया कि जो प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये की धनराशि जो है व्यय के लिए निर्धारित की शिक्षा पर। इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यय होता है, सरकार खर्च करती है, उसको बढ़ाया इन्होंने, ठीक है, उसको निर्धारित किया, पहले जितना भी होता था उसको बढ़ा करके 1,00,000 रुपये की धनराशि इन्होंने कर दी, ठीक है। लेकिन जो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसके तहत जो है धनराशि के व्यय को लेकर दो विचारधाराएं सामने आई, लोगों की अलग अलग विचारधाराएं बनी। पहली थी पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए, ठीक है। पहली बात इनके सामने यह आई कि अलग अलग भाषा किस तरीके से सिखाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दी जाए जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं, क्यों ना अंग्रेजी में ही दी जाए शिक्षा। लेकिन जो दूसरे लोग थे, दूसरी पाश्चात्यवादी विचारधारा थी, इनके अनुसार क्या था, इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इंग्लिश को बढ़ावा क्यों दें, हमारे अनुसार तो जो भारतीय साहित्य की मातृभाषाएं हैं या क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन्हीं को ही बढ़ावा दिया जाए, इन्हीं में ही बच्चों को पढ़ाया जाए। तो दो तरह की विचारधाराएं यहाँ पर देखने को मिली, एक में तो क्या बात की गई कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाए, और दूसरी तरफ बात हुई कि भारतीय साहित्य को और जो भारतीय मातृभाषा है उसी में पढ़ाया लिखाया जाए, उसी को ही बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वहीं पर आपको ले जाऊंगी जहां सबसे जरूरी बातें हैं। तो हमने जान लिया कि दो तरह की जो है विचारधारा थी लोगों के मन में कि इस तरीके से होना चाहिए, कुछ कहते थे कि नहीं अंग्रेजी से नहीं, जो सांस्कृतिक यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की मातृभाषा है, उसी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, वो क्यों चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे, क्योंकि उनका उद्देश्य दोस्तों ऐसा था कि जो भारतीय लोग हैं वो मन से तो अंग्रेज हो जाए और तन से हो जाए भारतीय, ठीक है, तन से तो भारतीय रहेंगे क्योंकि तन तो वे नहीं बदल सकते, लेकिन जो उनकी आंतरिक सोच है, ठीक है, उनकी संरचना है, सोचने की शक्ति है, वो सभी चीज़ें क्या हो जाए, वो सभी चीज़ें जो है अंग्रेजों की जैसी हो जाए। तो इसीलिए ये चाहते थे कि उनको अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जाए, उससे क्या होगा, अंग्रेजों को यहाँ पर अपना साम्राज्य का विस्तार करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। यही सोचकर वे चाहते थे कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए ताकि उनका जो है विस्तार बढ़े, उनका साम्राज्य भारत के हर क्षेत्रों में फैल जाए अंग्रेजों का। और यही हुआ भी, आगे अगर देखा जाए अंग्रेजों ने किस तरह से भारत पर अपना कब्जा जमाया, तो यही चीज़ें देखने को आई क्योंकि वे अपनी मंशा में कामयाब हुए, ठीक है। अब चलिए, अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये आती है जो कि आपके एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार पूछ ली गई है, वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था निस्यंदन का सिद्धांत, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने, कि आपको याद रखना है जो निस्यंदन का सिद्धांत है वह सिद्धांत किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया, बहुत बार पूछा जाता है। और लॉर्ड मैकाले का कथन क्या था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर पहुँच, मतलब छोटे छोटे जो लोग होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है, और बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में बदल कर सूखे क्षेत्रों का संचयन करे। देखिए, किताबी भाषा को छोड़िए, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर बात की गई है निस्यंदन के सिद्धांत की, ठीक है, निस्यंदन के सिद्धांत की किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया, अभी सिर्फ आप इतनी बात समझिए। और जो इनका एक कथन था इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बताती हूँ। लॉर्ड मैकाले का कहना क्या था कि जो समाज के उच्च वर्ग के कुछ जो है लिमिटेड लोग है ना, उच्च वर्ग के जो चुनिंदा लोग हैं उनको हम शिक्षा देंगे। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको हम शिक्षा देंगे, ठीक है, और जो बाकी की ये बची भीड़ है, जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, ये इतने, ठीक है, इन तक शिक्षा कैसे आएगी, छन छन कर, यानी हमने तो दी
उच्च वर्ग के लोगों को, और यहाँ से बट करके ये छन के छन्ना कहते हैं इसको, ठीक है। जब एक लोगों से दूसरे लोगों तक कुछ कम मात्रा में वो चीज़ पहुँचती है तो उसे छन्ना कहते हैं। तो इनके द्वारा फिर जो है पूरे क्षेत्र में हर जगह शिक्षा फैल जाएगी। हम सिर्फ कुछ लोगों को ही शिक्षित करेंगे लेकिन उनके द्वारा फिर पूरे समाज को शिक्षित किया जाएगा, ऐसा मानना था लॉर्ड मैकाले का। आपको समझ आ गई अभी बात, यह कथन किसका है कि बूंद बूंद करके नीचे तक हर एक जो है व्यक्ति तक वो शिक्षा पहुंच जाएगी। बिल्कुल समझ आती है इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर, आप बाद में वीडियो को पॉज करके भी दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इतनी जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिए, एक बार पहले समझिए और उसके बाद दोबारा वीडियो को चलाइए, उसको पॉज करके फिर अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि इसके नोट्स आपको खुद बनाने होंगे। मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से लिखें, उससे आप नहीं भूलोगे, इसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप खुद से इसको लिखें। आगे बात करेंगे, अभी तो हमने बात की 1813 के आज्ञा पत्र की, लेकिन अब हम जानने वाले हैं जो 1833 का आज्ञा पत्र आया उसमें क्या कुछ बातें थी और किस वजह से हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि जो शिक्षा की शिक्षा में व्यय किया जाता था वो पहले कितना किया जाता था, अगर 1813 के आज्ञा पत्र की बात करें तो वहाँ 100,000 रुपये था, ठीक है। लेकिन 1833 में 100,000 से बढ़ाकर 1,000,000 कर दिया गया, ठीक है। ये इसमें सुधार देखने को मिला कि शिक्षा पर जो व्यय था उसको बढ़ा दिया गया। कोई भी भारतवासी तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से ना रोका जाए, ठीक है। यानी जाति पाति का कोई भी भेदभाव ना हो, इस तरह की बातें इसमें की गई। ये कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, आपको मैं बताती हुई चलूँगी जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, आपको याद रखना होगा। अगर आगे बात करते हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया, लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बने। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बने, ठीक। मैकाले के आगमन से प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने और गंभीर रूप धारण कर लिया, क्योंकि जो प्राच्य पाश्चात्य लोग थे ये चाहते थे कि यहाँ की जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा हो, लेकिन मैकाले का कहना क्या था कि नहीं, इंग्लिश में हो सारी चीज़ें। तो इन दोनों के बीच में गंभीर विवाद पनप गया, ठीक है। उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार थी, यानी जो ये घोषणा पत्र जो है इन्होंने जारी किया लॉर्ड मैकाले ने, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसका जो मुख्य मकसद था ऐसे नागरिकों का निर्माण करना था जो कि रक्त तथा वर्ण से तो भारतीय हो किंतु रुचि, विचार, नैतिकता तथा मानसिक रूप से अंग्रेज हो। यह वही वाली बात है, वही इसका भी वही उद्देश्य था कि जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी में दी जाए और यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनका रक्त और वर्ण, वर्ण मतलब उनका रंग, ठीक है, रंग और खून उनका भारतीय हो, लेकिन जो उनकी रुचि है, उनका काम करने का तरीका है, सोचने समझने की शक्ति है, वो कैसी हो जाए, वह हो जाए अंग्रेजों की तरह, ठीक है, ठीक है। और क्यों अंग्रेजों की तरह क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने साम्राज्य का यहाँ पर बढ़ावा करने चाहते थे। तो ये बातें आपको इसमें याद रखने लायक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका यहाँ पर जो ये मेन पॉइंट आ जाते हैं वो आपका यहाँ आ जाता है जो आपको याद रखना होगा। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, यानी जब मैकाले ने वर्णन किया कि अंग्रेजी भाषा को इतना बढ़ावा ये देते थे, इन्होंने एक इतनी बड़ी बात कही कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी, ठीक है, क्या कहा कि जो यूरोप में पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, उसकी केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। अब आप देख सकते हैं कितनी इन्होंने इस तरह की बात की। इन्होंने कहा कि जो यूरोपीय पुस्तकालय होती है, यूरोपीय लाइब्रेरी है, उसकी केवल एक अलमारी, ठीक है, भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। यानी भारत का साहित्य उनके आगे कुछ भी नहीं है, इनका कहने का अर्थ सीधा सीधा यह था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है, इसीलिए मैंने आपको ये हाईलाइट करके बताया, क्योंकि यह आपके क्वेश्चंस में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें निकालते हैं इसके अंदर से जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर देसी भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयुक्त नहीं है, यह कहना था
अंग्रेजों का, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो है जो भारत की साहित्यिक और वैज्ञानिक भाषा है, साहित्यिक भाषा है, उनमें बहुत सारी चीज़ों का अभाव है और वे अविकसित है और गवारू भाषा है। उन्होंने यहाँ की भाषा को जो हिंदी बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, मराठी बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, इतनी सारी भाषाएं हैं अपने देश की, विविध विविध उर्दू बोलते थे, इन्होंने इन भाषाओं को क्या कह दिया, अविकसित है और गवारू भाषा है, ठीक है। सिर्फ अंग्रेजी को ही मान्यता ही देते थे। आगे बात की कि केवल कानूनों की जानकारी के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी के शिक्षालयों पर धन व्यय करना मूर्खता है। इन भाषाओं पर जो धन व्यय किया जाता था, इसको भी इन्होंने मूर्खता करार दिया। तो आप देख सकते हैं जो भारतीय भाषाएं थी उनको किस तरीके से इन्होंने पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर इन्होंने की। आगे बात करते हैं आगे इन्होंने क्या कहा कि यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करने के लिए शिक्षा संबंधी धनराशि व्यय की जाएगी, ठीक है, और भविष्य में प्राच्य विद्या संबंधी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं होगा। इन्होंने यहाँ तक कही कि जो यहाँ की भाषाएं हैं उनमें कोई भी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं होगा, यानी इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बात रखी, बिल्कुल पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया हिंदी भाषा को और यहाँ की भारतीय भाषाओं को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, फिर एक और घोषणा पत्र आता है 1833 के बाद, आर्कलैंड का घोषणा पत्र 1839 में, ठीक है, 1839 में आता है तीसरे नंबर पर। उसमें क्या हुआ, उसने जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया, जो विवाद चलता आ रहा था प्राच्य पाश्चात्यवाद के बीच में, उसको इन्होंने समाप्त करने का काम किया। वो कैसे, क्योंकि इन्होंने प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि में वृद्धि कर दी, यानी इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप भी अपनी भाषाओं को, जैसे संस्कृत भाषा हुई, अरबी भाषा हुई, कि आप इनको भी अपने जो है स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, उसके लिए इन्होंने धन आवंटित करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों के बीच में विवाद कम हो गया, दोनों तरह के युद्धों के बीच में विवाद जो है वो खत्म होने लगा, योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाने लगा। जो तीसरा घोषणा पत्र आया जिसका नाम है ऑकलैंड का घोषणा पत्र, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन्होंने इस विवाद को खत्म कर दिया। और अरबी व संस्कृत भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे, उसके बाद वो है अंग्रेजी भाषा पर खर्च की जाए। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम सबसे ज़्यादा मान्यता अंग्रेजी और अरबी भाषा को देते हैं जो आपकी स्थानीय भाषा है, उसके बाद जो धनराशि बचती है उसको हम कहाँ लगाएंगे, उसको हम लगाएंगे अंग्रेजी भाषा में खर्च करेंगे, इसकी शिक्षा में खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने मान ली इनकी बात कि चलिए ठीक है, विरोध करना बंद कर दिया, चलिए भाई ऐसा तो सही है, अगर हमारे यहाँ की भाषाएं हमें हमारे जो है आने वाली जनरेशन को सीखने को मिलेगी, तो इस वजह से वहाँ पर विवाद खत्म हो जाता है। और सिर्फ इतनी सी ही बातें आपको इसके बारे में जाननी होगी, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आगे बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके लिखिएगा, वुड का घोषणा पत्र। यहाँ पर दोस्तों आपको घोषणा पत्र करना है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग में, आपको यहाँ पर लिखना होगा वुड का घोषणा पत्र। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, किसे कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बताइए। अब तो आप बता पाएंगे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को। वुड का घोषणा पत्र किसने प्रस्तुत किया, तो चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया। कब किया गया, 1854 में किया गया, ठीक है, 1854 में किया गया। और इसको किस नाम से जानते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्यों कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्योंकि इसमें शिक्षा को लेकर नवीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, ठीक है, शिक्षा की नीति को ध्यान में रखते हुए नई नई चीज़ों को इसमें लागू किया गया था, इसीलिए इसको शिक्षा का या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आई ना, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करती रहूँ, ठीक है। अब चलिए आगे जानते हैं जो ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था, इसमें कुछ मुख्य बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी होगी, वो कौन कौन सी है उनके बारे में बात कर लेते हैं।
शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। यानी जो वुड का घोषणा पत्र आया इसमें दोनों तरह की भाषाओं का प्रचार प्रसार किया गया, यानी साथ साथ में उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं थी उनको भी साथ साथ में लेते हुए वे चले। ठीक है, और क्या चीज़ें हुई, इन्होंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। वही बात है कि सेम है, दोनों को बराबर साथ साथ में लेकर चलना चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, महत्वपूर्ण बात है। पहली बार ऐसी बात की गई थी कि जो शिक्षक है वह भी ट्रेनिंग लेकर के आए और उसके बाद में क्या है शिक्षा दे, वह भी प्रशिक्षण लेकर के आए, प्रशिक्षित हो तब जाकर शिक्षा दे विद्यालय में जाकर के। तो यहाँ पर इस बात को सबसे पहले रखा गया वुड के घोषणा पत्र में, तो यह बात जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं और क्या जरूरी पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। यह बात भी पहली बार यहाँ पर की गई कि जो उच्च शिक्षा होती है उसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको अलग से लिखिएगा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा किसके, कौन से घोषणा पत्र के दौरान हुआ, वुड के घोषणा पत्र के 1854 में, किसके द्वारा, चार्ल्स वुड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गई ना ये, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। यहाँ सिर्फ इतनी ही बातें समझनी थी, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि वुड का घोषणा पत्र 1854 में प्रस्तुत किया गया चार्ल्स वुड के द्वारा, और इसको एक और नाम से जाना जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कुछ मुख्य बातें कौन कौन सी है, अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार किया गया, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाए, और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। बस आपको इतनी सी बातें यहाँ पर नोट डाउन करनी है, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं आपको उसके बारे में नोट करना है। यहीं से आपके हर एक पर्सन बन जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, हर एक चीज को हम कवर करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हंटर कमीशन के बारे में। वुड का घोषणा पत्र के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम चलते हैं और जानते हैं हंटर कमीशन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि हंटर कमीशन किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड रिपन के, ठीक है, और इन्होंने भारत में प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, भारत में या प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की, लॉर्ड रिपन ने की। इसे प्राथमिक शिक्षा का पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके अध्यक्ष बने विलियम हंटर। ठीक है, कौन बने इसके अध्यक्ष, विलियम हंटर बने, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया हंटर कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा इस कमीशन का, हंटर कमीशन द्वारा। समझ गए आप इसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ मुख्य बातें थी जो कि हमें जाननी है वह बात करेंगे। यहाँ क्या क्या चीज़ें हुई कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, यहाँ पर बात की गई कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो व्यवहारिक हो, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा जो है वो देसी भाषा में हो, यानी जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग है, उसी में ही उनको प्राथमिक शिक्षा देनी होगी। यह बात इन्होंने की, और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, यह बात भी किसके द्वारा की गई, यह बात भी की गई हंटर कमीशन के द्वारा। ठीक है, यह बात भी हंटर कमीशन के द्वारा की गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी है, ये मेन पॉइंट है कि हंटर का मत था देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। यानी इन्होंने जो यहाँ की देसी पाठशालाएं और यहाँ की जो लैंग्वेज थी, जो यहाँ की आप कह सकते हैं मातृभाषा थी, उसको प्राथमिक लेवल पर इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, धार्मिक शिक्षाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, इन्होंने ये कहा कि धार्मिक शिक्षा यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, तो आपको यह भी पॉइंट नोट करना होगा। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है,
तो अब आपको इतना ही, सिर्फ इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि हंटर कमीशन किसके के अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर थे, और इसे भारतीय प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति भी लॉर्ड रिपन के समय काल में हुई, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने की, इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी, आपने देख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे गोखले विधेयक के बारे में, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी से पूरा करते हैं ये टॉपिक, आपके बहुत सारे आपके दोस्तों क्वेश्चन, सीरियसली बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाने वाले हैं। आगे बात कर रहे हैं हम गोखले विधेयक 1911 के बारे में। ये कम पूछा जाता है इसीलिए इसके बारे में हम थोड़ी मोटी मोटी सी बातें कर लेंगे। गोखले विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वह सर्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनका नाम है, इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इसको रखा गोखले विधेयक। 1911 में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इसके बारे में इतना आपने जान लिया। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, और कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाए, ठीक है। और क्या हो, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के व्यय में कर लगा सकती है जो स्थानीय संस्थाएं हैं, वह प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षा में जो है वो कर लगा सकती है। सिर्फ इतनी ही बातें दोस्तों इसके बारे में आपको जाननी है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना था इसमें गोखले विधेयक 1911 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया या किसके द्वारा इसका गठन हुआ, तो सर्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में ही, ठीक है, यह एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इतना आपने इसके बारे में जान लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने एक चीज़ आती है, एक समिति आती है जिसका नाम है हरटाग समिति 1929। यहाँ से आपके बाद आपके लिए क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर फिलिप हरटाग। दोस्तों आपने देखा कि अभी तक हमने जितनी भी समिति या आप कह सकते हैं कमीशन के बारे में जाना, उनके नाम उनके अध्यक्ष के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे बात करते हैं हरटाग समिति के बारे में, तो फिलिप हरटाग इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया। इसके बारे में क्या कुछ प्रमुख बातें थी, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम जो है वो 4 वर्ष की हो, यह बात इसमें की गई कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो कम से कम 4 वर्ष की हो, और पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए, ठीक है, सिर्फ किताबों से ही संबंधित नहीं होना चाहिए, और जो है माध्यमिक व उच्च शिक्षाएँ हैं वह गुणात्मक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, और उच्च स्तरीय व पुस्तकालयों व व्यावसायिक शिक्षा में समुचित व्यवस्था की जाए। सिर्फ इतनी सी बात आपको इसमें जाननी है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि हरटाग समिति के अध्यक्ष कौन थे, सर फिलिप हरटाग थे, और ये कुछ आपको एक 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको इनके अध्यक्ष याद रखना हो जाता है। अब चलिए अब बात करते हैं हम बेसिक शिक्षा के बारे में। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको भारतीय ही मिलेगी सारी चीज़ें। तो चलिए, महात्मा गांधी ने, हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा की, ठीक है, बेसिक शिक्षा के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिस योजना का प्रारूप तैयार किया उसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा तैयार किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। 22 अक्टूबर 1937 को फ्रदर शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि कब इसकी आधारशिला रखी गई या कब इसे लागू किया गया। 22 अक्टूबर 1937 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका दूसरा नाम क्या है, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के नाम से भी उसको जान सकते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातों को आपको स्टार लगा के नोट करना है क्योंकि न जाने कितनी बार आपसे पूछ ली गई है। कौन कौन सी, कि शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क हो, शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यह बात इसमें कही गई, ठीक है। और सैडलर कमीशन या सर्जेंट योजना 1902 में का विश्वविद्यालय आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से था, ये थोड़ा अलग है लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा जान सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर, ये सैडलर कमीशन और सर्जेंट योजना के बारे में भी आपको जान लेना होगा कि 1902 का विश्वविद्यालय आयोग से इसका संबंध है, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर जाननी है। फिर से हम वापस आते हैं और बात करते हैं किसकी, बेसिक शिक्षा के बारे में। पहली बात आपने जान ली कि 7 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले। दूसरी,
जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए और शिक्षा का जीवन से संबंध हो, सीधा सीधा संबंध हो। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो, ठीक है, यानी हस्तकला पर आधारित हो, कढ़ाई बुनाई, ठीक है, सिलाई, इस तरह की चीज़ें हाथों से किया गया, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, सब चीज़ें इनको सिखाई गई ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर की भाव जागृत हो। इतनी बात आपने इसके बारे में जान ली तो आप समझ लीजिए आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक शिक्षा के बारे में आपने जान लिया, महात्मा गांधी से संबंधित है और कब इसकी स्थापना की गई या कब इसकी आधारशिला रखी गई, आपको सभी बातें मैंने बहुत ही अच्छे से बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, वो सिर्फ इतना है कि पाठ्यक्रम में गठित सामाजिक विषय जैसे कृषि, कताई, बुनाई, विज्ञान में भारतीय भाषा व कला शामिल हो। जैसा कि यहाँ पर बात की गई थी कि शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो, तो इसीलिए यहाँ पर कृषि, कताई, बुनाई, इस तरह की चीज़ों पर अधिक जोर दिया गया। शिक्षण कार्यात्मक एवं सहसंबंध विधि पर आधारित हो, यह बात भी इसमें कही गई, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, आपको कथन दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक कथन है जो कि आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वही है कि यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र का विकास करना, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने यहाँ पर दिया था कि अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं जवाब दूंगा कि चरित्र का विकास करना। तो यह बात किसके द्वारा कही गई, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, यही तक आपको अभी तक जानना था। अब चलिए एक बार मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ कि हमने किस किस के बारे में बात कर ली है और कितना हमें आज की क्लास में कवर करना था, फिर उसके बाद आपसे आपको एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे हमने बात कर ली स्वतंत्रता के पूर्व किस तरीके की जो है शिक्षा की शुरुआत हुई, ईसाई मिशनरियों के 1913 का आज्ञा पत्र, 33 का आज्ञा पत्र, ऑकलैंड, वुड का घोषणा पत्र, हंटर कमीशन, हरडाग, इन सभी के बारे में, और इस कोठारी कमीशन के बारे में अभी बात नहीं की है हम। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आपका छूट जाता है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, वह माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आपके लिए दो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है और आज ही की क्लास से आपके संबंधित है। आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी चीज़ें हमने ऊपर अभी जान ली है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, और छनाई का सिद्धांत जो मैंने आपको टेबल की तरह बना करके बताया, ठीक है, ये छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इन चारों में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, नाम सहित आपको लिखना होगा, ठीक है, पूरा नाम आपको लिखना है। सो गाइस आज की क्लास में हमने आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में जो कि स्वतंत्रता के पूर्व क्या क्या चेंजेस होते गए, कौन कौन सी समितियाँ आती चली गई, कौन कौन से जो है नीतियाँ आती चली गई, कौन कौन सी योजनाएं आई, किस आयोग का गठन हुआ, किसने किया, उसके क्या उद्देश्य थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बेहद जरूरी था, उनके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। आज हमने बात की स्वतंत्रता के पूर्व और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, इसके बाद की बातें हम शुरू करेंगे। अभी आपको सिर्फ आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको जो दो क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है और आपको यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आज की क्लास से आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप नोट्स बनाएंगे उसके और मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको आकर के बताना है कि हमने इस बात को सीरियसली लिया और हमने इसके नोट्स बनाए। मैं देखना चाहती हूँ आप अपने एग्जाम को लेकर के कितना जागरूक है। और दोस्तों सिर्फ आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में जरूरी नहीं है, आप टेट देंगे, सुपर टेट देंगे, जो भी आप इसके बाद आपके टीचिंग के जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं, भले ही कोई बीएड भी कर रहा है अगर, वहाँ भी आपके ये क्वेश्चंस इसी तरह के, यही जो कुछ पॉइंट्स हैं, यही जो चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने को दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपके आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं, तो समझिएगा और इनको अपने हाथों से नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर मुझे आपको बताना है। और फटाफट से दोस्तों आपको क्या करना है, क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जो भी आपको चीज़ें कराई जा रही है उनको समय समय पर रिवाइज करते रहे। आप PDF सिर्फ इकट्ठी करने के लिए मत रिसीव करिए, उनको दोहराइए, ठीक है, तभी उनका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके लगाए जा रहे हैं वो यही देखने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, किन के ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, वो चीज़ें जानने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो उनको इम्पोर्टेंस दीजिए और हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी क्लास आपने मिस की और वहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस रह गए। हर एक क्लास आपके लिए रामबाण है, हर एक क्लास को अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देने के आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। जितना पार्टिसिपेट करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।